आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं मैक्स मीडिया सबा के साथ। मरकजी हुकूमत सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है, केसीआर का बयान। केसीआर ने कहा कि अगर कोई रियासत सीबीआई कार्रवाई के लिए रजामंदी के फैसले से दस्तबरदार हो जाती है तो उस रियासत में सीबीआई की किसी भी कार्रवाई के लिए हुकूमत की इजाज़त हासिल करना जरूरी हो जाता है। मुख्तलिफ महकमे जात की 28,000 मुलाजिमतों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, हरीश राव का बयान। वजीर हरीश राव ने संगारेड्डी में नए पेंशनर्स में स्मार्ट कार्ड तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से 2016 रुपये वजीफे की रकम दी जा रही है, जिसकी मिसाल मुल्क के किसी भी रियासत में नहीं मिलती। तेलंगाना असम्बली की तहलील से मुतालिक अफवाहों का बाजार गर्म। अब केसीआर 3 सितंबर को रियासती काबीना और पार्टी मकनना इजलास तलब कर रहे हैं, जिसकी वजह से खयास आर्यों का बाजार गर्म है कि कहीं इस बार भी कोई सनसनी खैज फैसला लिया जाएगा। मुल्क में कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की कीमतों में भारी कमी का ऑयल कंपनियों ने ऐलान किया है। 19 किलो के एलपीजी सिलेंडर पर 91.50 रुपये की कमी की गई है। कम की गई कीमतों पर फौरी अमल का ऐलान किया गया है। हैदराबाद में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2,099.05 रुपये हो जाएगी। ऑयल कंपनियों की जानिब से घरेलू सार्फीन के लिए किसी भी तरह की राहत का ऐलान नहीं किया गया है, जिसकी वजह से इनमें तशवीश पाई जाती है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में इजाफे की वजह से कई होटल्स और ठेलाबंडियों पर फरोख्त की जाने वाली खाने की अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया था। मुस्लिम डिलीवरी बॉय से खाना मत भिजवाइए, हैदराबाद में स्विगी के ऑर्डर के साथ गाहक का पैगाम, अवाम का शदीद रद्द अमल। बोधन में बर्फी पोल से गिरकर एक हेल्पर फौत, मुतवक्की के रिश्तेदारों की जानिब से दवाखाने के रूबरू एहतजाज व रास्ता रोको, मुनज़िम बर्फी अहदेदार वाकई के लिए जिम्मेदार मुतवक्की के वालिद का इल्ज़ाम। मोबाइल ने हमारी जिंदगी में सब कुछ बदल कर रख दिया है, मुस्लिम नौजवान मोबाइल के मनफी इस्तेमाल से अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन, 30 खवातीन को दीगर दवाखानों को मुंतकिल कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन नाकाम हो जाने से 4 खवातीन की मौत के बाद अहदेदारों ने दीगर 30 खवातीन को बेहतर इलाज के लिए दूसरे दवाखानों में मुंतकिल कर दिया है, जहां इनकी हालत बेहतर बताई गई है। चीफ मिनिस्टर सियासत को इंसानियत पर फोकियत दे रहे हैं, के वेंकट रेड्डी का बयान। कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि इब्राहिम पट्टनम में फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन नाकाम होने से 4 खवातीन की मौत हो गई है। इन खवातीन के अफराद खानदान को पुरसा देने के लिए चीफ मिनिस्टर के पास वक्त नहीं है, मगर पटना में नीतीश कुमार के साथ सियासी गुफ्तगु करने के लिए वक्त है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म होता है।